शब्बीर, देखिए शब्बीर आज स्लेजिंग कम हो रही है, कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, लेकिन धर्मेंद्र एक चीज मैं बता दूं, उनकी कहानियां चलती रहती हैं पीछे से, आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देते। जब आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर बातें चलती रहेंगी। शरद खेल कर आए हैं मुंबई हीरोज और कुछ बातें कर रहे थे कप्तान से, शायद स्विंग की ही बातें कर रहे हो। ये पहली गेंद, हाँ नहीं, स्विंग अंदर की ओर कराना था, बाहर की ओर तो नहीं, ये वार्म अप डिलीवरी थी सही मायने में। जी हाँ, ये खेमा आप देख सकते हैं खामोश है इस समय और उसका कारण ये कि तीन महत्वपूर्ण सफलताएं परेशानी में है, पैर उतने अच्छे तरीके से एंड हुए नहीं है। ये गेंद सही ठिकाने पर डाली है और विकेट भी दे कर जाएगी और यही इनकी खासियत है, ये थोड़ा सा परेशान करते हैं, गति ज़्यादा देते नहीं है। बल्लेबाज को मजबूर किया था, ताकत से अब शॉट लगाइए, कवर्स कीपर मंशा थी और ये खेमा बिल्कुल भी खुश नहीं और निराशा दिख रही है, घरघोर निराशा दिख रही है। किस तरीके से आउट हुई, 8-3 रीप्ले में आप देख सकते हैं, क्रॉस सीम के सहारे बॉल डाला था अब बाहर की तरफ और बल्लेबाज ने गेंद को फॉलो किया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, मणिकट रन ने किए 4-25 केरला इस समय। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकेट्स गिरे हैं, 1, 2, 3, 4, 7, 16, 16 और 25 कोई पार्टनरशिप है नहीं शुरुआत से ही और पहली गेंद से आप मान कर चलिए कि दबदबा बनाकर रखा है मुंबई हीरोज के गेंदबाजों ने। विवेक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, विवेक गोपन, जी हाँ रन्स चाहिए विवेक से और पूरे विवेक से इनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, कम से कम इतने रन तो आप ज़रूर बनाएं कि लीड बहुत ज़्यादा ना हो। शरद खेलकर ठिकाने पर गेंद डालते हैं, ज़्यादा यहाँ वहाँ गेंद डालते नहीं, वहीं पर परेशान करते हैं बल्लेबाजों को, वहीं से विकेट चटकाते हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाज तो ये हैं ही और क्या गजब का कमबैक है ये मुंबई हीरोज़ के लिए। एब्सोल्युटली आपको लग ही नहीं रहेगा कि ये वो टीम है जो रायपुर में खेली थी, दर्जनों ओवर कैच टपकाए थे और कितनी ख़राब फील्डिंग करी थी, लेकिन उसके बाद से टीम में मैनेजमेंट में कुछ बात हुई होगी, कोचेस ने थोड़ी डांट वांट लगाई होगी, आपस में लोग अपने आप से मोटिवेट होते कि मेरा ये काम है, मुझसे क्या गलती हुई है, क्या ठीक करना है, और वो सब काम जब करके आते हैं तो फिर इस तरीके के रिजल्ट निकलते हैं। रन यहाँ पर भाग लेंगे शाकिब का थ्रो, जब तक लगेगा, अरे ये तो मौका क्या बन सकता था, सोहेल खान के मन में भी यही चल रहा है, ऑनर ऑफ मुंबई हीरोज। 8-3 रिप्ले देखना बहुत दिलचस्प होगा, सुहास ये हल्के हाथों से खेला था ऑन साइड की तरफ, बल्ले पे लगी है पैड पे, ये तो खैर अंपायर ये भी बता सकते हैं। अब यहां से ये रन भागे हैं लेकिन चलिए सब कुछ सुरक्षित है केरला स्ट्राइकर्स के नजरिए से, 89 रन की अभी भी दरकार, बड़े शॉट्स पूरी तरीके से अब बंद हो गए हैं, अब किसी ना किसी को तो आगे जाकर वो जिम्मेदारी लेनी होगी अलोंग द सरफेस, पीछे दो फील्डर हैं डीप में, दूसरे रन की मांग यहां पर, 100, अच्छा पिकअप और बढ़िया थ्रो। यही मैं बात कर रहा था कि ये जो फील्डिंग में सुधार हुआ है ये टीम एक अलग ही टीम नजर आ रही है। जी हाँ, रायपुर में शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी, उसके बाद जो लय पकड़ी है इस टीम ने, खासकर वो समीर कोचर की इनिंग्स के बाद, अब इधर देख लीजिए आप, बहुत ही बेहतरीन, ना चाहते हुए भी निशाना सही है इनका, देखिए अब ये गेम एक ऐसे परिस्थिति में घुस चुका है जहां पर केरला स्ट्राइकर्स को पलटवार करना हो तो सेकंड इनिंग्स के बारे में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आधे ओवर जो आपको दिए जाते हैं फर्स्ट इनिंग्स के वो खत्म होने को हैं और कुछ इस प्रकार खत्म भी हो जाएंगे। एक रन ही मिलेगा और एक रन ज्यादा चुभेगी नहीं मुंबई हीरोज को, 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर बाद।